अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी को अब कुछ ही दिन रह गए हैं और इससे पहले परिवार वाले उनकी शादी की रस्में निभाते दिख रहे हैं। अंबानी के संगीत हल्दी सेरेमनी के बाद अब मर्चेंट फैमिली ने मेहंदी और गरबा सेरेमनी होस्ट की। हालांकि ये प्राइवेट सेरेमनी थी जहां सिर्फ परिवार वाले ही शामिल रहे। हालांकि मेहंदी लगाए हाथों की फोटो अंबानी अपडेट ने स्टोरी में लगाई, जिसमें राधिका की माँ और बहन की लुक सामने आई। दोनों ही प्यारी लग रही थी। इस दौरान ईशा अंबानी की दो लुक सामने आई हैं। ईशा अंबानी ने साउथ इंडियन स्टाइल में लहंगा पहना जो हाफ साड़ी स्टाइल में था। सी ग्रीन कलर के लहंगे पर गोल्डन बॉर्डर था और साथ में आइवरी गोल्डन ब्लाउज। ये अनुराधा वाकिल का कस्टम मेड लहंगा था। इसके साथ ईशा ने लुक भी साउथ इंडियन रखा, बालों में गजरा लगाया, लंबी चोटी की और चोटी पर हैवी एक्सेसरीज लगाई। बालों पर जो ईशा ने खूबसूरत ज्वेलरी लगाई थी वो बिरदी चंद घनश्याम लेबल की थी और साथ में फ्लोरल डायमंड पोल की कमरबंद बांधा था। ज्वेलरी की बात करें तो ईशा ने इसके साथ अपनी मां नीता की ही ग्रीन स्टोन नेकलेस और झुमके पहने थे, जो नीता ब्लू साड़ी के साथ पहले ही कैरी कर चुकी थी। ये नेकलेस काफी लाइमलाइट में भी रहा था जब नीता अंबानी ने इसे पहना था। NMACC के लॉन्च इवेंट के दौरान ब्लू बनारसी साड़ी पहनी थी और साड़ी के साथ उन्होंने ये ज्वेलरी पहनी थी। वहीं ईशा की दूसरी लुक भी काफी वायरल हो रही है, जिसमें तरुण ताहिली यानी के खूबसूरत ब्लश पिंक लहंगे में नजर आई, जिसके साथ उन्होंने रूबी और पर्ल की चांद बाली, दो लेयर वाला नेकलेस, रिंग और ब्रेसलेट पहना था। पूरे लहंगे पर खूबसूरत डिटेलिंग वर्क था, साथ में वैसा ही मैचिंग दुपट्टा। ईशा की ये लुक भी काफी पसंद की गई। वैसे ईशा कई मौकों पर अपनी मां की ही ज्वेलरी पहने दिख रही हैं। जामनगर में हुए इवेंट में भी ईशा ने मां का ही एक हैवी ग्रीन नेकलेस वियर किया था और अपनी शादी का हैवी डायमंड नेकलेस भी उन्होंने एक फंक्शन के लिए सिलेक्ट किया था। आपको इन दोनों में से ईशा अंबानी का कौन सा लहंगा ज्यादा पसंद आया, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook पर लाइक।